पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। पढ़िए। इदं सर्वं सारा दृश्यमान जगत चाहे यहाँ का हो चाहे ब्रह्मलोक का हो, कोई भी दृश्यमान पदार्थ को क्या करना चाहिए? आच्छादन करना चाहिए। आच्छादनीयम मतलब इसको बात कर देना चाहिए। बोलते कैसे? ईशा ईश्वर के द्वारा बोला परब्रह्म से जगत का आच्छादन करना चाहिए, जैसे चित्र को पर्दे से करते हो, है ना? अलंकार को सुवर्ण से करते हो, सुवर्ण ही है। घट को मृत्तिका से करते हो, इसी प्रकार सारा जगत को परब्रह्म से करना है। परब्रह्म ही है, परब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसी का नाम है आच्छादन। ज्ञान के द्वारा, है ना, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञान के द्वारा सारा जगत को क्या कर देना चाहिए? आच्छादन करना चाहिए, बात कर देना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो। पहले श्रुति भक्ति करती है, कहती है भुंजी था अपने आत्मा स्वरूप का पालन करना, मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। लेकिन भूल जाते हैं इस बात को, तो बोलते कि ना भूलो। बोले सामने तो संसार है, कैसे उन्हें भूलेंगे संसार को? बोलते संसार का ज्ञान के द्वारा बात कर दो। ये संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है ना, इसको तो छोड़ो, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। संसार में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने से संसार का त्याग हो जाएगा। ये नाम रूपात में जो जगत है, ये जगत का त्याग के द्वारा आप क्या करो? भुंजीथा पालन करो, आत्मा का पालन करो, मतलब आत्मा स्वरूप से स्थित हो जाओ, है ना? आत्मा स्वरूप से स्थित हो जाए तो इस ज्ञान का अभ्यास करने के लिए एक नियम बतला दिया, माग्रध कस्य स्विद्धनम्। ठीक है ना, किसी के धन की भी इच्छा ना करो। क्योंकि आत्मा से कुछ अतिरिक्त है ही नहीं, फिर धन की क्या आकांक्षा होगी? माँ गृध, यहाँ पर गृधु धातु होता है, गृधु अभी अभिकांक्षायाम, इच्छा करना, लालच करना, है ना? हाँ, ऐसा अर्थ हुआ। अथवा आक्षेप अर्थ में
हाँ, माँ गृध धन की इच्छा ना करो, है ना। आक्षेप, धन किसका हुआ है? कस्य धनम, धन किसका हुआ है? मतलब ये नहीं पूछ रहा है धन किसी का हुआ है नहीं अभी तक। अरे भाई, जगत का जो वास्तविक है ही नहीं तो किसका होगा ये? हाथ में कुछ आता नहीं, ये सपनों का लड्डू कुछ आता नहीं है। इसी वगैरह जागृत में सब ये लड्डू की तरह, सपनों के लड्डू की तरह है ये, हो गया ना। हाँ, दो अर्थ हुआ, दो अर्थ हो गया, चौथा पाद का दो अर्थ है ना। हाँ, किसी के धन की इच्छा ना करो, एक अर्थ हो गया, ठीक है। और दूसरा आक्षेप अर्थ हो जाएगा, माग्रदा इच्छा ना करो, क्यों? कस्य धनम, धन किसका हुआ है? अर्थात धन किसी का नहीं हुआ है। और एक अर्थ, व्यवहारिक अर्थ मैंने बताया, कहते कि धन की इच्छा क्यों करते हो? धन तो तुम्हारा ही है कि नहीं? क्यों? तो चेतन हो, सारा जड़ पदार्थ जो भोग पदार्थ है ये तो चेतन के लिए होता है। जब तुम्हारा ही है तो धन के पीछे क्यों दौड़ते हो? ये व्यवहारिक विचार है ये, ठीक है। कितना अर्थ हुए राजीव? हाँ, तीन अर्थ है। चलो आगे बोलिए। प्रैक्टिकली तो करना पड़ेगा भगवान, और कोई उपाय है नहीं, अभ्यास करना चाहिए ना। अभ्यास नहीं करो तो कैसे होगा? थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 अभ्यास करो, अभ्यास को बढ़ाओ, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हाँ, एक तो लक्ष्य निर्धारित करो, और प्रारब्ध के अधीन रहो, एक कि नहीं, भगवान के भरोसे रहो, तब जाकर तुम कर पाओगे, है ना। कोई भय नहीं है, आदमी को भय होता है ना कि बाद में क्या होगा। इसीलिए लोगों का समस्या और क्या है, और क्या समस्या है बताओ, ठीक है। चलो। अरे भाई, खाने के लिए दो रोटी है चाहिए, समझ में ना, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए चाहिए, और क्या चाहिए बताओ? उससे अधिक क्या चाहिए आपको, है ना। परमात्मा का चिंतन करने के लिए तो शरीर चाहिए, और शरीर के लिए यही चाहिए। और क्या चाहिए? टीका देखो, कहते हैं व्याख्यायत्वम् उक्त्वा प्रतिपदं व्याचष्टे ईशायति, ठीक है ना। ये ग्रंथ जो ईशावास्य उपनिषद है, ये व्याख्येय है, व्याख्यान करने योग्य है, हो गया। हाँ, भाष्य लिखने योग्य है। कौन भाष्य लिखने योग्य है? ये उपनिषद, ये भाष्य हो गया व्याख्यान, और मंत्र हो गया व्याख्येय। तो ये उपनिषद व्याख्येय क्यों है? क्योंकि उपनिषद के अधिकारी है, विषय है, प्रयोजन है, और संबंध भी है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद क्या है? व्याख्यान, व्याख्यान करने योग्य है, विचार करने योग्य है। इतना तो बतला दिया भूमिका भाष्य में। फिर अभी प्रतिपदम व्याचष्टे, अभी प्रतिपदम, पदम पदम इति प्रतिपदम, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम। हाँ, इसी प्रकार पदम पदम इति प्रतिपदम, अभी भाव समास है, मतलब प्रत्येक पद का, प्रत्येक पद का या अभी अभी व्याख्यान कर रहे हैं। और मंत्र से पहले जितने थे वो किसी पद का व्याख्यान नहीं था, और अभी जो व्याख्यान हो रहा है ये मंत्रों में रहने वाले पदों का व्याख्यान है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं ईशावास्यम इत्यादि,
देखो पहला पद क्या है, ईसा। इस शब्द का इस प्रतिपदी होता है, ईस ऐश्वर्य, शासन करना, अर्थ में कोई बंत कोई प्रत्यय होता है। प्रातिपदिक इस, प्रथमा एक वचन बनेगा इट, इट इसौ इस, ऐसा बनता है रूप। तृतीया एक वचन बनता है ईसा, दो आगे लिखे हैं इसी को, है ना। इष्टे इति इट, देखो इट शब्द बन जाएगा प्रथम प्रथम व्यक्ति के एक वचन में, तो विग्रह कैसा हो गया, इष्टे शासन करने वाले का नाम क्या है, इस शब्द भी होता है, ईश्वर शब्द भी होता है, ईश्वर वरच प्रत्यय करने पर ईश्वर बनता है। इति ईट तेना ईसा, तृतीय एक वचन ईसा मतलब ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा लिख दिया यहाँ पर, आनंदगिरी महाराज लिख देते हैं। ईस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, शासन करना, ये अर्थ है यहाँ पर। अस्य धातु हो, धातु होता है ना, क्रियावाचक को धातु बोलते हैं। अस्य धातु हो, कोई भी लुप्ते कोई प्रत्यय करो नारायण, कर्ता अर्थ में, और उस प्रत्यय का पूरा लोप हो जाता है, ये व्याकरण के बाद ना घबराओ आप लोग। लुप्ते कोई प्रत्यय का लोप हो जाने पर कृदंत रूपम, जो कृदंत शब्द होगा इस, उसका प्रथम अव्यक्ति एक वचन होगा इट। तस्य, हाँ तस्य कहने से ज्योतिर्मानंद, तस्य मतलब कस्य घट, नहीं सुन रहे हैं, तस्य कृदंत रूपस्य, अथवा इस शब्दस्य तृतीया एक वचनम ईसा इति, हो गया। अच्छा बोलते महाराज ये सारा जगत का आच्छादन करना है, सविशेष परब्रह्म के से कि निर्विशेष परब्रह्म से, निर्विशेष परब्रह्म से, लेकिन निर्विशेष परब्रह्म तो ईश्वर है ही नहीं, वो मतलब शासन करने वाला है ही नहीं। अरे जगत का शासन करने वाला तो सविशेष परमात्मा होगा ना, हाँ तो जिसमें कोई क्रिया होगी तब तो शासन करेगा, और निर्विशेष ब्रह्म में तो कोई क्रिया ही नहीं है, वो शासन कैसे करेगा वो, ये यहाँ पर लिखते हैं, है ना। इसलिए आपने कर्ता अर्थ में कोई प्रत्यय कैसे किया, ननु कर्तरी कोई विधानात् परमात्मनश्च अविक्रियत्वात्, भाई तुम्हारा परमात्मा निर्विशेष तो अविक्रिय है, उसमें कोई विकार तो है ही नहीं, क्रिया तो है ही नहीं। कथम क्विवंत शब्दवाच्यता, फिर क्विवंत शब्द का वो अर्थ कैसे हुआ, कौन निर्विशेष परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा वो क्विवंत शब्द का अर्थ कैसे हुआ, वो मतलब इस शब्द का अर्थ निर्विशेष परब्रह्म कैसे हुआ, ये शंका बन गई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम सविशेष को नहीं ले रहे हैं, निर्विशेष को ही ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। कैसे भाई, ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य, अरे भाई यहाँ पर ईशिता, ईशन करने वाला, शासन करने वाला परमेश्वर है, कौन है परमेश्वर यहाँ पर, परमात्मा मतलब सबकी आत्मा सर्वस्य, वो सबका वो साक्षी है वो, समझ में कि नहीं। हाँ तो बोलते हैं कि जो है ये कैसे होगा महाराज, निर्विशेष परमात्मा तो किसी का कर्ता है ही नहीं, ईशन का कर्ता कैसे बनेगा। अरे वे देखो ऐसा हो जाता है, माया उपाधेर ईशना कर्तृत्व संभवा, क्विवंत शब्दवाच्यता न विरुद्धते, निरुपाधिकस्य च लक्ष्यत्वं भविष्यति इत्यर्थः। ये देखो भाई है ना, आप कहते हो ईशन कैसे करेगा ये जगत का,
माया रूपी उपाधि को लेकर के ईशन करेगा वो, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं माया रूपी, श्रुति क्या बोलते हैं, मायाम तो प्रकृति विद्या मायनम तो महेश्वरम, हो गया कि नहीं। इसलिए माया उपाधिर, माया उपाधिर यस्य सह मायो उपाधि, माया रूपी उपाधि को लेकर के सारा जगत का ईशन करने वाला कौन है, परमात्मा हो गया, वही निर्विशेष परमात्मा ही है। माया को लेकर के सारा जगत का ईशन कर दिया, इसलिए क्विवंत शब्द का वो वाच्य हो जाएगा। अब सुन रहे हैं, हाँ, इसलिए ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ क्या है, माया उपाधि का परमात्मा, सविशेष परमात्मा, और ईश्वर शब्द का लक्षार्थ क्या होगा, निर्विशेष परमात्मा। ईश्वर कहो, ब्रह्मा कहो, परमात्मा कहो, ये सभी शब्द का वाच्यार्थ माया उपाधि का होता है, सविशेष होता है, और लक्षार्थ होता है निर्विशेष, निरुपाधिक। निरुपाधिकस्य च लक्ष्यतम भविष्यति इत्यर्थः, ये लक्षार्थ हो जाए। जैसे तत्, तत्तमसि में तत् आया ना, तत्शब्द का लक्ष्यार्थ निर्विशेष होता है ना, ऐसा कह रहे हैं भाई। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर, इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम के द्वारा यहाँ पर तात्पर्य का विषय क्या है, सविशेष है कि निर्विशेष है। हाँ, ये उपासना का प्रसंग नहीं चल रहा है, ये ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। इसलिए यहाँ पर ज्ञेय ब्रह्म हो गया, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म में ही ये शास्त्र का तात्पर्य है। ये जो टीकाकार लिखते ना, निरुपाधिकस्य च लक्ष्यत्वं भविष्यति, निरुपाधिक ब्रह्म ये इस शब्द का लक्षार्थ है, ऐसा कह रहे हैं। तब तो महाराज भेद हो जाएगा ना, द्वैतवादी लोग ही तो बोलेंगे। परमात्मा यदि बिंब हो गया और क्या होते हैं, जीव हो गया प्रतिबिंब, तो भेद हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि ईश्वर हो गया, देखो ईश्वर हो गया शासन करने वाला, और जीव क्या हो गया, शासित होने वाला, तो दोनों में क्या होगा, भेद होगा कि अभेद होगा, दोनों में भेद हो जाएगा ना, है भेद हो जाएगा। ये तो जुक्ति हो जाएगी ना, जुक्ति ये तो हो जाएगी, है कि नहीं। हाँ, जो इसितव्य जीव होता है, इसितव्य, हाँ, इसितव्य इसित्री से, शासन करने वाले से भिन्न होगा ना, इसलिए क्या होगा, इसितव्य जीव, इसितुः परमात्मनः भिन्नः, इसितव्यत्वात् अनुमान कर देगा, जुक्ति कर देगा। जैसे जैसे हो गया भृत्य, नौकर, नौकर हो गया शासन करने योग्य, और शासन करने वाला मालिक, दोनों एक ही है, दोनों कैसे एक हो जाएंगे। वही स्वयं मालिक हो और वही स्वयं नौकर, ये कैसे हो जाएगा। द्वैतवादी लोग बोलेंगे ना नारायण। इसलिए जो है, जहाँ पर इसित्री इसितव्य भाव होगा, वहाँ पर तो भेद होगा, है कि नहीं। देखो लिखे यहाँ पर, इसित्री इसितव्य भावे ना तरी भेद प्राप्त, तब तो भेद प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, ऐसा है। इसलिए भेद, भेद जब प्राप्त हो जाएगा, तो फिर मंत्र का तात्पर्य अद्वैत में कैसे होगा बताओ, अद्वैत में तात्पर्य तो हुआ नहीं, फिर भेद में तात्पर्य हुआ। बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, सुनो धैर्य रखो, हम बताते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सही सर्वम इष्टे सर्वजंतुनाम आत्मा सन् प्रत्येक आत्मतया, ये लिखते हैं यहाँ पर देखो।
अरे भाई, प्रत्येक आत्मा होकर के सबका वो शासन करता है, मतलब अद्वैत होकर के वो सबका शासन कर देगा ना। हाँ, सर्वजंतु नाम आत्मा सन है। देखो, जितने भी जीव है जंतु, सबके आत्मा कौन है? परमात्मा है। इसलिए प्रत्येक आत्मा हो करके, सबका स्वरूप हो करके, परमात्मा सबका शासन करता है। ये तो बात ठीक है महाराज। सबका जब शासन करेगा तो फिर जो है अभेद कैसे होगा? ये बात हमको नहीं जांच रही है ना। सबका स्वरूप होकर के सबका शासन करेगा, ये कैसे बात बनेगी? वो तो भेद में होता है ना, अभेद में तो होता नहीं। देखो, हो जाता है, चिंता ना करो। कहते हैं कि देखो, कैसे थोड़ा टीका दिया है आनंद गिरी महाराज। करते हैं तुमको हम बताते हैं, तुम्हारे घर पर दर्पण है ना? हाँ, दर्पण तो है। तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब दिखता है, वो प्रतिबिंब का शासन करने वाला कौन है? बिंब होता है। क्या होता है? बिंब होता है। तो बिंब के अधीन प्रतिबिंब है कि प्रतिबिंब के अधीन बिंब है? हाँ, है कि नहीं? दोनों में भेद है कि अभेद है? अभेद है, क्योंकि जो भी क्रिया वगैरह प्रतिबिंब होती है, प्रतिबिंब में होती है, ये सब बिंब को लेकर होती है। हो गया कि नहीं हो गया? तो बिंब और प्रतिबिंब में जैसे इसित्री इसितव्य भाव है, परंतु भेद तो नहीं है, अभेद है। जहाँ पर इसित्री इसितव्य भाव होगा, मतलब नौकर मालिक का भाव होगा, हिंदी में कहना है तो, वहाँ पर भेद ही होगा, ये कोई जरूर नहीं है। है कि नहीं? इसित्री इसितव्य भाव होने मात्र से भेद हो जाएगा। ये कहोगे तो व्यभिचार हो जाएगा, तर्क के अनुसार बोल रहे हैं। कैसे अनुमान करेगा? अनुमान ऐसे करेंगे, इसितव्य मतलब जिसका शासन होता है, मैं धीरे धीरे से बोलता हूँ, इसितव्य इसितुः भिन्नः, शासन करने वाले से भिन्न होगा इसितव्यत्वात्। हो गया ना? यथा भृत्यः, अनुमान हो गया? हाँ, ये तो द्वैतवादी लोग अनुमान करेंगे ना। जो इसितव्य होता है, शासन करने योग्य होता है, वो अपने शासक से क्या होता है? भिन्न होता है। दृष्टांत क्या दोगे? नौकर है ना, घट गया कि नहीं घट गया? यत्र यत्र इसितव्यत्वम तत्र तत्र इसितुः भेदः। हो गया कि नहीं हो गया? तो बोलते प्रतिबिंब में कैसे करोगे? प्रतिबिंब में व्यभिचार नहीं हो जाएगा? प्रतिबिंब में इसितव्य हेतु रहेगा, लेकिन भेद साध्य रहेगा? नहीं रहा। व्यभिचार हो गया कि नहीं हो गया? ये केले केले होता है, लेकिन दर्पण में दर्पण तो भेद है, दर्पण के साथ तो भेद हो जाएगा, ऐसा बोले ना द्वैतवादी लोग। यद्यपि प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है, लेकिन दर्पण हो तब ना दिखेगा कि दर्पण के बिना भी दिखेगा? बोलो, हैं? तो भेद हो गया कि नहीं हो गया? भेद हो गया ना। दर्पण हो तब ना बिंब प्रतिबिंब होगा, नहीं तो कैसे होगा? ये द्वैतवादी लोग बोलेंगे कि नहीं? हम एक बार वहाँ यहाँ गए थे, ये हरिद्वार में, तो वहाँ पर वो प्रोग्राम था, एक बड़े अच्छे विरक्त महात्मा थे, अपने त्यागमूर्ति महाराज ने 12 साल तक जो है वो मौन किए थे, मौन व्रत। तो वहाँ पर वो मौन खोलने के लिए उस संत के पास गए थे, बड़े महापुरुष थे वो, टाट वाले बाबा बोलते हैं। तो उनके पास प्रोग्राम होता था, मुझे बुलाते, मैं जाता हूँ।
दो तीन दिन बुलाते हैं साल में, तो विरक्त महापुरुष से चले जाता हूँ मैं, तो वहाँ पर बोलने के लिए दिया आधा घंटा, तो मैं केवल वेदांत के विषय में ही वहाँ पर होता है, तो मैंने बोला तो मेरे बाद में एक परमात्मा आ गए, वो द्वैतवादी थे भगवान, यही कहा उसने जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना ये अद्वैतवादी लोग अवैध अवैध बोलते हैं, तो कहाँ अवैध हुआ, अवैध कौन, दर्पण दिखे, दर्पण होगा तो प्रतिबिंब दिखेगा ना, बिंब प्रतिबिंबवाद होगा, हाँ तब तो भेद ही हुआ, अभेद कहाँ हुआ, हाँ यही कहा तो फिर जो है मुझे बोलना पड़ा, देखो भगवान, हाँ कि बोलते हैं कि स्वप्न में जो सारा प्रपंच दिखता है, हो गया ना, तो सारा प्रपंच जो दिखता है वो कहाँ दिखता है, बताओ कहाँ दिखता है, मन में कहाँ दिखता है, मन ही तो सपना है, मन में कहाँ दिखता है, मन में नहीं दिखता है, मन ही सपना हो गया तो दिखता कहाँ पर है, बोलिए, चेतन में दिखता है, कहाँ दिखता है, चेतन में दिखता है, तो चेतन हो गया दर्पण, अरे जहाँ दिखेगा वही तो दर्पण बोलोगे, और क्या बोलोगे, पर्दा बोलोगे, है कि नहीं, उसका बिंब क्या है, क्या उसका बिंब क्या है, ना ना कोई बिंब नहीं, कोई प्रतिबिंब नहीं, एक चेतन चित दर्पण में सारा जगत दिखाई दे रहा है ना, जड़ दर्पण के लिए बिंब की आवश्यकता पड़ती है, क्या समझा, जड़ दर्पण के लिए बिंब की आवश्यकता पड़ती है, और चेतन दर्पण के लिए कोई बिंब की आवश्यकता नहीं है, उसी में ही सारा जगत दिखता है कि नहीं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजंतर्गतम, कहते कि नहीं दक्षिणामूर्ति सूत्र में वो दर्पण कौन है, चेतन आत्मा, चित रूप आत्मा यही दर्पण हो गया, उसमें सारा जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब हो गया, तो बिंब कौन, कौन है प्रतिबिंब, बिंब कौन है, कोई नहीं है मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को देखते हो, हैं किसी व्यक्ति को सपनों में देखते हो, वो व्यक्ति है अभी नहीं ना है, वो दिखता कैसे फिर, आप बोलेंगे बिंब हो तो दर्पण में बिंब हो तो प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन जो व्यक्ति है ही नहीं वो दिखता है तो उसका बिंब कौन है, बोलो कोई है, हाँ ये जरूर नहीं है बिंब बिंब हो तब जाकर प्रतिबिंब दिखेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो जड़ दर्पण में होता है, कहाँ पर होता है, जड़ दर्पण में, जड़ दर्पण में, जड़ दर्पण में बिंब हो तो प्रतिबिंब दिखेगा, ये तो जड़ दर्पण में होता है ना, ये तो बिंब प्रतिबिंब के लिए जो दर्पण दिया जाता है, हाँ वो ये अभिप्राय नहीं है कि जो है क्या बोलते हैं, बिंब हो तो दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा, ये अभिप्राय नहीं है, केवल इतना अभिप्राय है दर्पण दे करके कि प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है, इतना ही कहना है समझ में कि नहीं, तो ये अभिप्राय नहीं है कि दर्पण हो फिर उसमें बिंब हो तो प्रतिबिंब दिखेगा, और दर्पण और बिंब में भेद है, ऐसा अभिप्राय नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दृष्टांत जो दिया जाता है कुछ एक देश को लेकर दिया जाता है, पूरी समानता नहीं होती है, ठीक है, हालांकि वो समझ गए जो मैं बताया तो उनको अच्छा चलो यही यहाँ पर लिखते हैं, देखो
यथा आदर्शादिषु प्रतिबिंबानाम आत्मा सन् बिंबभूतो देवदत्तः ईशिता भवति। ये देखो, यही कहना है दर्पण दृष्टांत दे करके। यथा आदर्शादिषु, आदर्श क्या है? दर्पण आदि से और ले लो, जल वगैरह जो भी लेना ले लीजिए, अथवा अथवा क्या ले लो, मोबाइल ले लो आजकल, और क्या मोबाइल में देखते हैं ना ये भी आदि शब्द से ले लो, मोबाइल और क्या प्रतिबिंबानाम आत्मासन, ठीक है। वो आदर्श में जो प्रतिबिंब दिखता है उसकी आत्मा कौन है, उसका अधिष्ठान कौन है? बिंब, बिंब भूतो देवदत्त ईशिता। वो बिंब हो गया शासन करने वाला, बस इतना दिखलाना है। किसका शासन करने वाला? प्रतिबिंब का, हो गया ना। क्योंकि प्रतिबिंब में जो चेष्टा आदि होती है वो बिंब के अधीन होती है। बिंब जैसा हो प्रतिबिंब ऐसे ही दिखता है, हो गया कि नहीं हो गया? ईशिता भवति। तथा इसी प्रकार से तो कल्पित भेदेना ईशित्री ईशितव्य भाव संभवात न वास्तव भेदा अनुमानम संभवती इत्यर्थः। इसलिए भाई ईशित्री ईशितव्य जो भाव है, ईशित्री हो गया परमात्मा, ईशितव्य हो गया जीव, तो ये वास्तविक भेद नहीं है, कल्पित भेद है। कल्पित भेद को लेकर के ईशित्री ईशितव्य भाव होता है, न वास्तव भेद अनुमानम। ये युक्ति जो अनुमान करते हो, कैसे अनुमान किया? जीव ईशन करने वाला परमात्मा से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जीव ईशितव्य है, इसका शासन किया जाता है। आओ आओ, हाँ, तो ये अनुमान क्यों बताइए? अनुमान व्यभिचारी है, इसमें इस हेतु में व्यभिचार नामक दोष है। कैसे व्यभिचार हो गया मालूम हुआ? प्रतिबिंब में व्यभिचार हो गया, प्रतिबिंब में देखो इसी तबियत तो है, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, भेद नहीं है। प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं होता है, हो गया ना। अच्छा, तो इदम सर्वम आच्छादनीयम भाष्यम कह दिया ना। भाष्यम का अर्थ होता है आच्छादना, देखो लिख दिया आगे बस आच्छादन है, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया है, उपासना की प्रक्रिया नहीं है धनमया। इसलिए यहाँ पर बस निवास नहीं करना था, तो आच्छादन है ना, आच्छादन कर देना है ना। लेकिन बस आच्छादन है, ये धातु हो गया, धातु मतलब पाणिनि व्याकरण का। अस्य रूपम नियत प्रत्यय कर देंगे तो बास्यम हो जाएगा, हो गया ना भाई। किस अर्थ में हुआ? योग्य अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ? योग्य अर्थ में। इसको आच्छादन करना चाहिए, आच्छादन करने योग्य। किसको आच्छादन करने योग्य है मालूम है? परब्रह्म को ही, जगत को, जगत को, हाँ, जगत कहने से सब आ गया। इदम सर्वम है ना, जड़ चेतन चर चरात्मक सब को कर देना है। पर्दे में चित्र दिखता है, जड़ दिखता है कि चेतन दिखता है? दोनों दिखता है, ऐसे में दोनों दिखता है। जैसे सारे चित्र को वह सब पर्दा ही है, ये हो गया। पर्दे के ज्ञान से चित्र का आच्छादन किया जाता है, हो गया ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे, देखो द्राष्टान, तत्वतः ईश्वरात्मकम एव सर्वम। सब कुछ क्या है? स्वरूप से ईश्वर ही है, हाँ, परब्रह्म ही सारा जगत है। लेकिन महाराज हमको तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? भिन्न दिखाई दे रहा है, ये तो हमको भ्रांति है। भ्रांत्या यत अनिश्वर रूपेण गृहितम, भ्रांति से ये जगत को परब्रह्मा से भिन्न समझ रहे हो। तत्सर्वम ईश्वर एव आत्मा एव, ये देखो
ये परमात्मा ही है। इति ज्ञानेन, इस ज्ञान, ये हो गया ज्ञान, ऐसा समझ में, यही हो गया वास्तविक ज्ञान। ठीक है, हाँ, ये ज्ञान के द्वारा आच्छादन करना चाहिए, दूसरे से नहीं करना है, उपासना करने से नहीं होगा। हाँ, नहीं कर पा रहे तो अलग बात है। यहाँ पर आज पंचदशी में चल रहा था ना, आपको अनुभव हो अथवा अनुभव ना हो, आमसी परब्रह्म, बस इसी का ही चिंतन करो, पंचदशी कार ने कहा। ठीक है, इसी बगैर यहाँ पर भी ठीक है, यदि ज्ञान आपको नहीं हो रहा है तो क्या करो, उपासना कर लो। लेकिन यहाँ पर उपासना का प्रकरण नहीं है, ज्ञान का प्रकरण है। ठीक है, मुख्य अधिकारी के लिए क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम, आए समझ में। हाँ, और इसका जो अधिकारी नहीं है तो आगे दर्जे रखो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, आगे के लिए है। ठीक है, तीसरा कोई उपाय है क्या है? तीसरा कोई उपाय नहीं है, ईशावास्यम इदम सर्वम, नहीं हो तो क्या, नहीं हो तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि, आगे आएगा। कर्म करो, उपासना करो। ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, ये हो गया, थोड़ी एक पंक्ति और ले लेते हैं। सर्वात्मक ईश्वर अस्मीति ज्ञातव्यम, ये देखो, ये सर्वात्मक ईश्वर, ईश्वर से भिन्न कोई है ही नहीं, ये ईश्वर सर्वात्मक है, मतलब मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ। इदम सर्वम कहने से कौन आ गया, ये जीव भी आ गया। ज्ञातव्यम, यही जानना चाहिए, इसी का नाम उपदेश है भाई, और कोई दूसरा उपदेश नहीं है, ऐसा तत्व उपदेश, यही तत्व का उपदेश है, इससे कोई अतिरिक्त तत्व उपदेश नहीं है, समझ में ना। हाँ, ऐसा है, और इसी में ही क्या है, शास्त्र का तात्पर्य है, उपासना में यहाँ पर तात्पर्य नहीं। समझ में ना, नहीं तो कोई बोलेगा, अरे भाई देखो, ये सारा जगत ईश्वर रूप नहीं है, फिर भी ये उपासना करने के लिए बोल दिया। हाँ, जैसे मान लीजिए शालिग्राम विष्णु है क्या, नहीं ना है, फिर भी शालिग्राम में विष्णु के बुद्धि को, विष्णु की उपासना करते हो, उपासना हो गई, ओके ना। इसी प्रकार सब कुछ ईश्वर रूप न होने पर भी ये उपासना कर लो, हो गया ना। उपासना करेंगे तो क्या होगा, देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी ना, विद्या देवलोक कर्मणा पितृलोक, है ना, ऐसा कह दे, बोलते आ क्या, कर्मणा पितृलोक, बोलते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है, यही वो तत्व का उपदेश नहीं है, तत्व का उपदेश तो यही है, सर्वात्मक ईश्वर है, सर्वम खलु इदम रज ब्रह्म कहा, और वही मेरा स्वरूप है, यही हो गया तत्व का उपदेश, इसी से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। धन में ना, जैसे छांदोग्य तत्वमसि इतिवत, छांदोग्य का उपदेश क्या है, तत्त्वमसि, महावाक्य, देखो ये भी महावाक्य की तरह हो गया भाई, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये भी महावाक्य की तरह है। आया सच में, इसी का ये व्याख्यान है, कहाँ पर, ईशावास्यम इदम सर्वम का व्याख्यान है बृहदारण्यक में, ओम ब्रह्मास्मि। हो गया ना, दोनों का एक अर्थ एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, वहाँ पर विस्तार से कहा गया, छांदोग्य में जैसे तत्त्वमसि है ना, ईशा, इस उपनिषद में ईशावास्यम इदम सर्वम, इसी का वाक्यान है अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य, हो गया ना, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। आगे, हाँ जी, क्या जी, क्या कह रहे हैं, कहीं भी हमारी दृष्टि जा रही है तो वो आत्मा के कारण मैं आत्मा
सच्चिदानंद हूँ, इसलिए सारी वस्तुएं मुझ पर ही तो भास रही हैं, तो अक्षय दिन तो मैं ये ही हूँ। नहीं, मेरे से भिन्न है ही नहीं। हाँ, इसी का नाम है आच्छादन, ये जो ज्ञान है ना। हाँ, नाम रूप जो दिखाई दे रहा है ना, इसको अपने से भिन्न नहीं समझना है, इसी का नाम है आच्छादन। आया पकड़ में? हाँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर। नाम रो जो दिखाई दे रहा है, भिन्न की तरह दिखाई दे रहा है ना, ता ये मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं है, इसी का नाम है यहाँ पर आच्छादन है। ठीक है ना। इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।